नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, ये मिक्सर ग्राइंडर का आर्मेचर है। दोस्तों, ये मोटर बुश जाम हो चुका है, ये निकालने के लिए नहीं आ रहा है। इसको हमें कैसे बुश बाहर निकालना, आपको इजी मेथड बतलाता हूँ। लेकिन ये बस बुश हमें निकालने के बाद फिर यूज़ करने नहीं आएगा, हमें नया बुश लेना होगा। दोस्तों, इसको हमें मार के तोड़ के काटे तो ये रोटर झड़ जाएगा, आपको आर्मेचर लॉस हो जाएगा। ये काटने के चक्कर में आप 300 से 400 रुपए का आर्मेचर वेस्ट कर लेती हैं। इसको ओपन बुश निकालने का मैं आपको इजी मेथड दिखलाता हूँ। दोस्तों, तुम्हें कितना भी ट्राई करो, ये देखो, ऐसा ये नहीं बाहर नहीं आएगा और बुश भी थोड़ा भी लूज नहीं होएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, हमें ऐसा एक स्टैंड लो। स्टैंड लेके बाद देखो, ये हथौड़ी के हैमर के मदद से हमें इसको बुश को फोड़ना होगा। ऐसा बुश को राउंड आप मारो, मारे के बाद ये लूज हो जाएगा। देखो, लूज हो गया है, अब घूम रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। और थोड़ा मारो इस बुश को, ये बुश इजीली अब बाहर आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये बुश बाहर आ चुका है। दोबारा ये बुश यूज़ मत करो, क्यों बोले तो फिर ये यही प्रॉब्लम आएगा। नया बुश 20 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये आर्मेचर लेके जाके करेक्ट साइज देके लेके आ जाओ। ये बुश जाम होने का कारण है हमारा जार में वाटर लीकेज होने का। आप जार को वाटर डैमेज नहीं हो सका, देख लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैं ये निकालने का बताया हूँ। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ।